Assalamu alaikum, this is Anaya Sheikh. I'm a stand-up comedian and I also do activism related to our rights, transgender community ke liye. I've done researches with Ma'am Claire Payment aur currently main is waqt Consult Tech ek company hai aur unka product hai dukaan le jiske liye I'm a marketing manager over there. What makes me real is hum logon ki community ke bare mein, trans community ke bare mein bahut zyada myths hain. Bahut cheeze hain ki hum log jo hain wo sirf dance kar sakte hain ya hum log sirf begging kar सकते हैं या हम लोग सिर्फ सेक्स वर्क कर सकते हैं हमारे लिए डिफरेंट फील्ड्स चुन दी गई हैं कि हम बस इन्हीं कामों में जो हैं वो रहेंगे मैंने जो अपनी एजुकेशन ली अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और इस सोसाइटी में रहते हुए बीइंग अ ट्रांस वुमन अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना और फिर अपना जो एक ख्वाब था एक ड्रीम था उसको कंप्लीट करना मेरे लिए एक रियलिटी से भी बढ़ के रियलिटी है मतलब वो ख्वाब ही था जिसको मैं नहीं सोचती थी कि मैं कभी एज अनाया शेख किसी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर होंगी तो मुझे लगता है कि सोसाइटी के लिए भी इतना आसान नहीं था बट अल्हम्दुलिल्लाह जब से ट्रांसजेंडर राइट्स बिल जो है हमारा पास हुआ है बहुत रास्ते खुल गए हैं लोगों को पता है कि एम्प्लॉयमेंट राइट्स हैं जॉब्स देनी हैं एजुकेशन राइट्स हैं जब से ये बेसिक राइट्स आए हैं अपना आप वाकई में हकीकी तौर पे रियल लगने लग गया है एक एक सर्टेन सर्कल के अंदर नहीं है एक जगह सिर्फ हम मखसूस होके नहीं रह गए हैं मुझे लगता है कि अगर मैं काम कर रही हूँ अगर मैं अपने लिए अपने अपनी फैमिली के लिए एक सपोर्ट बनी हुई हूँ और मेहनत करती हूँ एक अच्छी जगह जॉब करती हूँ तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक ट्रांस वुमन के लिए विद माई रियल आइडेंटिटी आई एम मूविंग अराउंड इन दिस सोसाइटी I am Anaya Sheikh, a real person for them. They treat me as a real person, which is a huge achievement for Pakistan, for our society, for our community. And we want more people to come out and work with us. तो वो जो एक फेक एक चीज़ बनी हुई है लोगों के माइंड में जो मिथ्स बनी हुई हैं लोगों के माइंड में उनको चेंज करने के लिए हम लोगों को रियल वर्ल्ड में आकर अपना आप मनवाना पड़ेगा आई एम सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई नो कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है तो अब जो ख्वाब थे वो हकीकत में बदलना मुश्किल नहीं नज़र आते हैं